तो एक बहुत पुरानी जो समय पहले यहाँ पे राजा महाराजाओं के समय में कोई गुफा बनी थी, इसके पीछे की एक कहानी है। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे ना ऐसे जंगलों के बीच में लटक रहे हैं, नीचे पूरा का पूरा जंगल है। अब दोस्तों माउंटेन का टॉप आ गया और यहाँ पे है बादल, और सब बादल क्या मतलब, बारिश का मौसम है, धुंधी धुंध है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो छोटे शहरों की जो पुरानी गलियाँ है ना, वो आज भी ऐसी ऐसी अपनी तरफ है ना, अपने यहाँ पे छोटे शहरों की जैसे पुरानी गली। आज हम जहाँ पे आए हैं माउंटेनिंग करने के लिए, वो है यहाँ पे लोंगयू नाम की एक जगह है, और इस जगह को बोलते हैं ल्यू छंग फू। तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पहले मैं गाड़ी से आया, मतलब ड्राइव करके आए, उसके बाद फिर वो चिता वंग बोला, मैं पूछा था कि इस जगह वो क्या कह रहे हैं, तो फिर मैंने यहीं पे इनसे पूछ लिया जो ये खड़े थे ये वेंडर लोग। तो जी फिर बस के थ्रू आए, बस पीछे दिख रही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे फिर गाड़ी ड्राइव करके नहीं आ सकते। अभी एक यहाँ पे आप व्यू लीजिए, देखो इस तरह का ये टूरिस्ट एरिया है, और आप अंदाजा लगा सकते हो इन गाड़ियों को देख के। और ये शायद यहाँ पे पार्किंग फुल हो गई, तो इसलिए अब गाड़ियों को यहाँ पे अंदर आने नहीं दे रहे, बसों के थ्रू ही आ सकते हैं। ये देखो ये आई एक मोटरसाइकिल शोले वाली, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली। यहाँ पे मिल रहा है तरबूज, तरबूज के अलावा यहाँ पे शायद मिल रहा है जामुन, ये जामुन है। जगह जाओ शाला है सर, सुमे सुमे जामुन को यहाँ पे बोलते हैं सुमे, और तरबूज वरबूज मिल के। चलो खैर यहाँ से हम आगे चढ़े, ये इनके पास अपनी डंडी है, अब हम बढ़ चले आगे, आगे चल के देखते हैं। सामने का दोस्तों दृश्य तो अच्छा है, और यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा, पहाड़ की कटाई वटाई हो रही, शायद कुछ बनेगा या बनावेंगे। यहाँ पे आने के लिए दोस्तों एंट्री है, एंट्री का टिकट है, 200 RMB का। आप में से कोई भी आए तो घूमने के लिए 200 RMB का टिकट है। तो अब देखो वहाँ पे एंट्री की तरफ ही हम जा रहे हैं, देखो इधर से अपना एंट्री है, सब यहाँ पे खड़े हैं, अब हम यहाँ पे दिखा देंगे इन्हें अपना टिकट। यहाँ पे ये है, यहाँ पे होगी टिकट चेकिंग, वहाँ पे तो वैसे भीड़ लग रही थी जिन्होंने ऑनलाइन नहीं खरीदा। हमने तो क्योंकि ये जो टिकट था ना, हमने टिकट खरीद लिया था ऑनलाइन रात ही है, तो जिसने ऑनलाइन नहीं खरीदा शायद बाहर जो भीड़ लग रही थी ना, तो वो उनके लिए था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, बोर्डिंग एरिया लिख रखा, तो मेरे हिसाब से ट्रॉली वाली जगह है, उस ट्रॉली में बैठेंगे, यहाँ से बोर्डिंग का मतलब ये जगह है। तो आपके पास एक QR कोड है, जब आपने टिकट खरीदा हुआ है QR कोड आया था, तो देखो एक QR कोड QR कोड को यहाँ पे रखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होने का मतलब है आ जाओगे यहाँ से निकल जाओ। उसने दो टिकट खरीदे हुए थे, दो बार उसने स्कैन किया और दो लोग उसके साथ आ गए। हाँ मैं सही कह रहा था, यहाँ पे बोर्डिंग एरिया मतलब यहाँ पे ट्रॉली पे बैठने का है, ट्रॉली में बैठने का। देखो सारी ट्रॉली तो नॉर्मल है, पर इस ट्रॉली में फूल लग रहे, तो किसी ने अपनी महबूबा के लिए लगवाए गए या कैसे लगवाए हैं, फूलों की कहानी समझ नहीं आ रहे। हमारी ट्रॉली में भी ये फूल लग रहे, पर इसमें दिल नहीं बन रहे, उसमें तो दिल बन रहा था। तो ये जो फूल है नकली है, तो फूल नकली दोस्तों 15 मिनट की है, ये जो दूरी है वो पता है इन्होंने, तो ये 15 मिनट की दूरी है, 15 मिनट पे हम इसमें बैठे रहेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो हो रहा है। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे ना ऐसे जंगलों के बीच में लटक रहे, नीचे पूरा का पूरा जंगल है, ऊपर से हम लटक रहे, पीछे से आ रहा है ये वाला दृश्य बता रहे हैं दोस्तों। देखो बहुत बढ़िया एक दृश्य, आगे वो दिखाता हूँ आपको। ये बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आए तो सर्दियों के मौसम में आए तो और भी बढ़िया रहेगा। दृश्य मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ, शायद इसमें कैमरे में इतना सब कुछ नहीं आ पाएगा, पर ये वाकई में दृश्य है। वाह जी वाह, दृश्य है भाई, दृश्य है, दृश्य है, देख रहे हो पीछे। आ गया, और इसी बीच में हम अपने आ गए यहाँ पे, जगह पे भी आ गए, इसी बीच में जगह पे आ गए। पूरी वीडियो देखना, बड़ा मजेदार व्लॉग होने वाला है। यहाँ पे गेट से बाहर निकलते ही यहाँ पे बिक रहा है ऐसे खाना, आपको कुछ खाना है, नाश्ता वास्ता करना है, यहाँ पे इनका लोकल फूड है, मांस बन रहा है, तो इसकी आइसक्रीम है यहाँ पे।
और जी ये देखो यहाँ पे, यहाँ से फिर आप एक दृश्य ले लें। आज तो तुम्हारे भाई के साथ एक खेला हो गया। हम जब गाड़ी से आ रहे थे ना, तो एक्चुअल में तो गाड़ी हमें छोड़नी थी, मैंने आपको जगह दिखाई थी ना जहाँ पे बसे बसे थी, पर उन्होंने कहा बस आ गई बस आ गई बस आ गई, तो मेरी जो वो थी ना क्या बोलते हैं उसे, वाइथाओ मतलब जो जैकेट थी ना, जैकेट यार गाड़ी में रहेगी, पावर बैंक गाड़ी में रहेगा। चलो पावर बैंक की तो निभा लेंगे, पर यहाँ पे ना सच में ठंड होने वाली, और मैं पहन के आ गया आधी की टी शर्ट, हाफ टी शर्ट। तो अब देखो जो होगा, ठंड तो यहाँ पे ठीक ठाक हो रही है इस समय। ये है पीछे का हमारे दृश्य, और इस जगह को कहते हैं शिज़ुओका लोंगयू नाम की एक जगह है जेजियांग प्रोविंस में, और जी लोंगयू के पास ये है लुचियन हु, जगह जगह से मैं लुचियन हु छुन हु लुछन हु, ये है यहाँ पे लुछन हु। ये देखो यहाँ से अब चढ़ेंगे हम ऊपर, जहाँ पे लिख रखा है वेलकम, यहाँ से वेलकम होगा हमारा, तो हम चलते हैं ऊपर। बढ़िया बना रखी है इन्होंने, क्या बोले ये सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ, बाकायदा फूल वूल लगा के, नकली ही क्यों ना हो पर फूल तो हैं। तो जी यहाँ पे बताया है एक घंटे से ज़्यादा कुछ की, शायद दो घंटे के आसपास का वन टाइम का अपना क्या है चढ़ाई है, तो कुल मिला के चार घंटे लग जाएंगे, चार पाँच घंटे का अपना ये पूरा आज का तामझाम है। तो हम चढ़े चले, अब जो जो अच्छी अच्छी चीज़ आती है यहाँ से आपको दिखाते जाएंगे। चीज इन हंसी वादियों से जहाँ दे दूंगा मैं, अगर तुम जो ना मुझको मिली, रोज़ा मूवी का गाना याद है आपको, इसी दिन के लिए बना था वो। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे ना, बादल ही बादल, बादल ही बादल देख रहे हो पीछे। फिर यहाँ पे बना रखा है कुछ इस तरह का, आपको विश्राम इत्यादि करना हो तो आप यहाँ पे आराम आराम करो, और फिर नहीं करना तो सीधा ऊपर बढ़ते चलो। यहाँ पे देख रहे हो कितने लोग हैं, कूड़ा कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, काफी शोरगुल का माहौल है। इसी माहौल के बीच से एक बार फिर आप दृश्य दोस्तों, मौसम ने मारा है मौके पे चौका, एक तो ठंड हो रही है, दूसरी बात कपड़े नहीं है, तीसरी बात बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई, अभी तो बूंदे बूंदे हल्की हल्की फुहारे हैं, तो अब देखते हैं अगर तेज हो गई बारिश तो क्या करेंगे, फुहारे हैं तो क्या करेंगे, बीमार होके जाएंगे खुश होके जाएंगे। अब दोस्तों माउंटेन का टॉप आ गया, और यहाँ पे है बादल, और सब बादल क्या मतलब, बारिश का मौसम है, धुंध ही धुंध है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सब लोग बैठे यहाँ पे, बारिश हो रही है, ये बादल हटेंगे तो हम फोटो खिंचवाएंगे, कहीं जाए तो फोटो खिंचवाना अब कितना जरूरी हो गया कि पता ही नहीं चलने का, फोटो ना खिंचवाए तो दूसरों को कि हम कहीं गए थे। सब ये यहाँ पे केवल इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये हटे, और पीछे वो दिखा रहे ना जो सीन भी जब आवे बादलों वाली, तो फोटो खिंच जावे। देखो कूड़े के लिए ऐसे ऐसे चुन रहे हैं कूड़ा, मतलब ये लकड़ी से इससे स्टिक से पकड़ के उठावेंगे, मतलब सफाई का ध्यान रखें यार यहाँ पे। मतलब मैं आपको बताऊँ, लोग तो यार गंदगी कर ही हैं सब जगह, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। हाँ अगर गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के रूल हैं कि फ़ाइन ठोक दो उन पर 15-20 हज़ार रुपये का, है कुछ ऐसी जगह जैसे मकाऊ में गए थे, हांगकॉन्ग में जाएँ, सिंगापुर में जाएँ, तो वहाँ पे तो अगर आप कुछ गंदगी करोगे तो फ़ाइन है। तो जी मकाऊ वाला व्लॉग देखा आपने, नहीं देखा वो देखना ज़रूर, वो भी बड़ा अच्छा व्लॉग बना। तो जी यहाँ पे गंदगी होवेगी, पर हाँ ना उसे व्यवस्थित करने के लिए, उसे सही करने के लिए यहाँ पे बाकायदा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने वे रख रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पहाड़ से तो हम नीचे आ गए, नीचे आने के बाद क्या है अब चलेंगे खाने की ओर, यहाँ का फिर एक लोकल फूड आपको दिखाता हूँ। कल तो यार चावल खाए बस, कल कुछ नहीं मिला खाने में, कल तो बस चावल में डाला। 5-5.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अपशब्द उस पर बीप है सुसुनिया, तो खाली चावलों में खाना पड़ा। तो ये हमारे हैं अंकल जो हमें लेने आए हैं। तो जी अब खाना खाने जाएंगे, फिर एक्चुअल में क्या था, दो दिन का प्लान और था, पर मैं ना आज शाम को वापस चला जाऊंगा, तो वापस चलते हुए आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पे बड़ी स्पेशल है, बने रहिएगा।
票应该是单行线。不能进去是吧？我再进去，哎，他能进去，我也能进。你在前面吗？अब दोस्तों मैं जैसी गलियों से भी वीडियो बनाने वाला ना, ये गलियाँ कोई नहीं दिखाने का भाई, दिखाएगा तुम्हारा मतलब बहुत बड़ा 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 सबने दिखाया, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ दिखाएंगे आपको, बड़े बड़े भवन दिखाएंगे, महल दिखाएंगे, हमने भी दिखाए हैं, पर ये यहाँ की लोकल गलियाँ, लोकल गली दिखाता हूँ अभी चीन की, यहाँ पर ये बहुत कम लोग दिखाएंगे अभी। देखो छोटे शहरों की जो पुरानी गलियाँ हैं ना, वो आज भी ऐसी ऐसी अपनी तरफ है ना, अपने यहाँ पर छोटे शहरों की जैसे पुरानी गलियाँ हैं इसी तरह की हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पे नीचे दुकानें वुकानें बन रही, देखो दुकानों में अच्छा डेकोरेशन वगैरह का काम कर रखा, पर ऊपर जो है जिनके मकान हैं भवन हैं वो सब हैं, और ये रसोई है जिस रसोई में वाला खाना बन रहा है, रेस्टोरेंट हमारा यही है। चलो भीतर चल के देखते हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे सब्जी जो बनवानी है वो बोल रहे हैं, ये अपना इसे यहाँ पे बोले पाउशा, तो ये अपना पाउशा है, पाउशा में चल रहा है अपना खाना वाना, स्पिंच जैसा कुछ, ये बैंगन और क्या मूंगफली, आगे दोस्तों खाना खा के फिर एक नई जगह पे, इस जगह को देखते हुए भी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है। सुशो जगह जाओ शमती फान लोंग यू सखू, तो इसका नाम है लोंग यू सखू। अब ये कैसा है, किस तरह का है, ये आपको दिखाते हैं। ये है यहाँ पे, यहाँ से इसकी एंट्री, और पीछे है कुछ इस तरह का। अब इसमें आगे चलते हैं, और आगे चल के क्या तामझाम है ये आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। अभी देखो वहाँ की है ना, वहाँ पे घूमते हुए जब वापस आएंगे ना, मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँगा, पर उससे पहले अभी इधर की ये एंट्री, यहाँ पे इस तरह से पार्क टाइप से बना हुआ है। वास्तव में शिखू होवे क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले हम आगे चलते हैं, आप इसे देखें, इधर से ये रास्ता जा रहा है और इस रास्ते पर आगे चलना है, इधर से लोग आ रहे हैं। टिकट लेने के बाद ना, टिकट लेने के बाद यहाँ पे आ गए, दो टिकट खरीदे मैंने 85 RMB, मतलब 170 RMB के दो टिकट। अब यहाँ पे अंदर से रास्ता बन रहा है, वो देखते हैं आप जरा। अच्छा केव बनी हुई है, यह वन नंबर केव, यहाँ पे शायद और भी केव हैं, और भी गुफाएं हैं। तो एक बहुत पुरानी जो समय पहले यहाँ पे राजा महाराजाओं के समय में कोई गुफा बनी थी, इसके पीछे की एक कहानी है, तो वो गुफा जो बनी थी उस गुफा के अंदर हम आ चुके हैं, आप भी देखें कैसी है। ये तो आपने इधर से देख लिया, इधर अंदर जाके तो कोई खास चीज़ होगी नहीं, अभी क्या करते हैं फिर यहाँ से ना भी नीचे चलते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद अपना आगे देखते हैं ये कैसा है। अच्छा देख रहे हो आप, आवाजें भी गूंज रही हैं यहाँ पे, और फोटो का, और यहाँ पे भी एक चीज और यहाँ पे सबसे बढ़िया है, एक आप देखो ये यहाँ से देखो किस तरह का छत, छत क्या है तो गुफा, गुफा का किस तरह से नक्काशी कर रखी। यहाँ पे प्याओयन हो रही, प्याओयन मैंने बताया ना परफॉर्मेंस को बोले प्याओयन, यहाँ पे एक टुकड़ा इन्होंने काट के ये सेकंड नंबर वाली पे आ गई, ये दूसरे नंबर वाली आ गई, ऊपर से धूप आ रही, रोशनी आ रही, मतलब वो देखो बढ़िया चीज है, यहाँ सब जगह अंधेरा और एक जगह ऊपर से रोशनी ला रखी, रोशनी के वहां पे उन्होंने स्टेज लगा रखा, तो वहां पे प्याओयन चल रही, परफॉर्मेंस चल रही, वो परफॉर्मेंस देखो, देखो क्या बढ़िया बना रखा, ऊपर से रोशनी आ रही और इधर इन्होंने स्टेज बना दिया, स्टेज बनाने के बाद यहाँ पे लोग खड़े और देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए लाइन लग रही है, हमने यहाँ पे फोटो खिंचा, हमने ये छल्ला ले लिया, इस छल्ले में फोटो जो खींचेगा ना वो उधर से जो फोटो खींचेगा उस छल्ले में डाल लेंगे, अभी देखेंगे कैसा खिंचता है फोटो।
फोटो खींचने के बाद उसने हमें रिसीव दे दी और उसने कहा वहाँ पे ना छूखों के पास मतलब खिड़की के पास जाके फोटो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अब हम चलेंगे वही खिड़की के पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे देखो छूखो लिख रहा, एग्जिट है यहाँ पे, एग्जिट से रास्ता जा रहा ऊपर का। ये दृश्य भी सुंदर है। अभी यहाँ पे आगे चल के शायद और एक दो या तीन इस तरह की जगह है जो फायर अट्रैक्शन बनती है यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे ना दीवारों पे ना कुछ आर्ट हो रही है, बोलते जो आर्ट है पुराने समय में प्राचीन समय के लोगों ने यहाँ पे आर्ट की हुई है, इसीलिए इस आर्ट के पास इतने लोग आके ना ये फोटो खिंचा रहे हैं। उधर देख पा रहे हो आप, तो वो बोल रहे हैं ये सब पुराने लोगों ने, प्राचीन समय के जो चीनी लोग हैं, चाइनीज पीपल जो है, उन्होंने ऐसी आर्ट करी हुई है। इधर भी है एक छोटी सी, आपको दिखाई देते हैं, देखो ये, देखो इधर ये शिकार किए जा रहे हैं, इधर ये है। अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, ये कई बार अतिशयोक्ति भी कर रहे हैं, ये बोल रहे कि पुराने समय के लोगों ने कर रखी है, इतनी नई पुराने समय के लोगों ने कैसे कर रखी होगी। अब इसमें दोनों ही बात हो सकती है, हो भी सकती है नहीं। अब शुरू में अब अपनी आदत ऐसी है ना सवाल वाली हर उसमें, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा पूता है मतलब प्राचीन समय के लोगों ने कर रखी है, पर मैं कैसे मानूं। अब कोई अगर उस चीज़ मिलेगी तो मान लेंगे, वरना तो ये 50-50 में रख के आपके ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि नया पेंट है, नई सब चीज़ें हैं, पुराने लोगों ने कैसे कर सके, इतना नया कैसे रह सका, मुश्किल है ना। यहाँ पर मना कर रखा है कि इन पर चढ़ना नहीं है, वरना मैं तो चढ़ जाता। अब नीचे क्या है, छूप हो गया, नीचे एग्जिट नीचे है। अब नीचे चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। नीचे वाली मैं हाँ मान सकता हूँ कि नीचे वाली, अभी नीचे मुझे आपको कैमरे में तो शायद नज़र नहीं आ रही होगी, कैमरे में तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, पर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ यहाँ पे पुरानी आर्ट हो रखी है। और बढ़िया आर्ट में भी दिखाता हूँ आपको, ये शायद से सभ्यता हो गए ना अपनी पुरानी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो यहाँ पे भी चीनी सभ्यता जो रही होगी, खांग सभ्यता रही यहाँ पे, और भी दो चार रही है। मतलब ये तो पुराना है, ये तो बिल्कुल पुराना है, इसे तो मैं मान लूंगा। मतलब जहाँ पे मैं अब पहुंच सके इसे तो 100% ये तो पुराना ही है, ये तो पुराने समय के लोगों ने बना रखा। और मैं आपको दिखा दूंगा, आप दिखा देख के आप भी समझ जाओगे, ये तो मान लेंगे इसे तो संगवा के रखा जा सकता है, क्योंकि पहले जो सभ्यताएं थी वो दबी हुई तो है, मतलब इसे हड़प्पा की हुई खुदाई, मोहनजोदड़ो की हुई सब वे नीचे मिले धरती के, तो इसे मान लिया जा सकता है। पर बाहर वाली जो है उसे कैसे माना जाए। ये है यहाँ पर मिट्टी, और यहाँ पर काफ़ी फिसलनसी भी हो रही थी, ऊपर से रिस रहा है पानी, मिट्टी और मिट्टी के ऊपर से वहाँ से रिस रहा है पानी। यहाँ पे कैमरे वैमरा भी लगा रखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे ना दीवारों पे इस तरह की कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ इस तरह की ये नक्काशियाँ हो रखी हैं, वहाँ पे पुराने समय के जो ये चीनी लोग हैं शायद उनका कुछ बनाया हुआ है। पर जिस तरह का जो दिखाई दे रही है ना चीज़ें, फिर मेरा मन थोड़ा सा क्या है डाउट में आया। अब पता नहीं ये सच में पुराना है या नया है, ये आपके विवेक पर छोड़ा गया, क्योंकि मेरा आर्कोलॉजिकल वाला जो ये पहलू है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐतिहासिक, तो ये आपके विवेक पर छोड़ दिया। अरे यार पुराने समय में कहाँ इस तरह झाड़ू वाड़ू लगती होगी। यार मसला ये है, देखो जूता पहन रखा पुराने उस समय में, कहाँ लोग जूते पहनते होंगे, इसने बकायदा जूता पहन रखा, बनाने वाले ने जो काम खराब करा उसे जूता पहना के कर दिया खराब, झाड़ू का भी आदमी मान लेगा एक बार। अब यहाँ से मेरा मामला पूरा डाउट जो है वो कन्फर्म हो गया, ये तो अभी के समय का है, उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म कहाँ उस समय तक यहाँ पे पहुँचा था, बौद्ध धर्म अभी तो आया है यहाँ पे। अब ये शायद जो है ये अभी का है, ये पुराने समय का नहीं है। अब जो बताया था ना एग्जिट पे यहाँ पे फोटो मिल रहे हैं, फोटो बिक रहे हैं, तो इतने में आप देखो फोटो मिल गए, फोटो तैयार में होके आ गया, मैं भूल गया था बात करने में, इस तरह की फोटो मिल गया अपना, ये
बन के तैयार होके आ गया। इस आरएमबी का ये फ़ोटो हमने खिंचवा लिया था, ये आ गया। और जी इसके अलावा उन्होंने एक हमें ये है मुफ्त का छल्ला दे दिया एक इस तरह का। तो उस गुफा से बाहर आने के बाद हम आ गए कहाँ पे, बाहर ऐसे ही एक यहाँ पे स्पॉट बना हुआ है। मैंने बताया ना यहाँ पे ताखा दिया ना, सारे ताखा मतलब जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और जगह दिखाता हूँ, एक यहाँ पे एक गेट है कुछ नहीं, वहाँ पे गेट बनना, बस बाहर से निकल जाओ उस गेट के बाहर। फिर यहाँ पे इस तरह का है, ये पत्थर बना रखा है यहाँ पे। तो जी उसके बाद यहाँ पे नदी है, नदी बन रही है और ठीक है भाई हो रहा है। यहाँ पे घूमने के लिए बना रखा है, बीच टाइप से यहाँ पे घूम लो, चपाटी टाइप से।